वही सो गैम्स फिर से स्वागत करता हूँ मोफिक्स ब्लॉग्स में तुम सबका और एक नए वीडियो में। सो भाई पहले ही बता देना चाहता हूँ तुम लोगों को कि आज भाई कोई स्पेशल वीडियो कॉमेडी वाला वीडियोस नहीं है, आज कोई व्लॉग्स नहीं है। तो भाई तुम लोग बोलोगे भाई क्यों वीडियो क्यों देखे, ठीक है भाई ये वीडियो मत देखो, मैं ज़्यादा मना नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं एक बहुत ही दुख की बात शेयर करने जा रहा हूँ तुम सबके साथ। तो तुम लोग शायद जानते हो कि कुछ दिन पहले ही भाई एक हादसा हुआ था कुत्ते लोगों के साथ, बहुत सारे डॉग्स को मार दिए गए थे। तो मैं आज ही उसके बारे में बात करने जाऊँगा और तुमको एक बंदी से मिलाऊंगा, बंदी जो इसके बारे में थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे। तो यार ये हादसा हुआ था हम कोलकाता में और मुझे पता है मैं अब ये वीडियो बना के कोई कुछ उखाड़ नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो भाई मेरा एक ब्लॉग रेडी है, मैं चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ लेकिन मुझे लगा कि भाई ये वीडियो बनाना ज़रूरी है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक तुम लोगों के साथ मिलवाऊँगा जो तुम लोगों को और भी अच्छा डिटेल्स दे पाएंगे। तो भाई भाई आ जा, ये देखो मैं नाम बता शायरी, तो इनका नाम है शायरी और ये लोग ये आपको बताएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था भाई। तो 13 जनवरी को यहाँ पर कोलकाता में NRS हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था। दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने, वो गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल था, तो उस हॉस्टल में तो वो दो लड़की एकदम लेट नाइट पर इसे ड्रिंक स्मोकिंग ये सब करते थे। तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी वो कुत्तों लोगों से, क्योंकि वो पप्पीज जो थे 16 पप्पीज, तो वो अब लोग सोच सकते हैं भाई 16 पप्पीज, सोच सकते हैं 16 पप्पीज एक साथ, हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो, तुम लोग बता सकते हो मुझे 16 पप्पीज को एक साथ मार दिया गया है। आगे तो वो 16 पप्पीज को वहाँ पर रात को उन लोगों ने मार दिया था, ऐसे वैसे नहीं, जस्ट यू नो फर्स्ट तो उन लोगों को पता लगा था कि यार पॉइजन मिला दिया हुआ तो और कुछ भी, पर उन लोगों को बाद में पता चला CCTV से कि वहाँ पर पॉइजन नहीं, उन लोगों को उठा कर उठर पटर कर उन लोगों को मारा गया था यार, उनके मम्मी मतलब वो 16 पप्पीज के मम्मी के सामने। वैसे कोई मारता है क्या, क्या इंसानियत है यार, ये कौन सा इंसानियत है भाई, इतना भी यार इतना भी फीलिंग्स नहीं हुआ, ये क्या है भाई, ये तो मतलब एक मिनट, अगर तुम लोग जो लोग देख रहे हो वो अगर मम्मी हो या पेरेंट्स हो या फिर तुम लोग कभी तो भाई मम्मी पापा या कोई तो बनोगी, तो सोचो आपके बेटी या बेटे जो भी हुए उनको अगर इस तरह से मार दिया गया क्या आपको अच्छी लगेगी भाई, इनका भी परिवार है हमारा भी परिवार है, हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो खुश कैसे रहेंगे ब्रदर, आप लोग बताओ, अब जज करो भाई जज करो इसके ऊपर, क्या ये सही हुआ। आगे बोल। अब नेक्स्ट दिन वो NRS हॉस्पिटल के दो डॉक्टर्स इसे बोल रहे थे कि उन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई तुम लोग जो एनिमल्स लवर हो तो वो जब तुम लोग चिकन मटन खाते हो तो वो क्या आ जाता है, वो क्या एनिमल्स नहीं होते। तो फिर यहाँ पर मैं बोल रही हूँ भाई एनिमल्स मैं नहीं खाती हूँ, बट जो खाते हैं चिकन एटलीस्ट उन के मम्मी के सामने ना वो सब उठा पटर के नहीं मारते और उन लोगों को ना ऐसे काटते हम लोग भाई, हम लोग उनको ऐसे नहीं मारते जैसे कि उठा उठा के, भाई उन 16 पप्पीज को उनको लंग्स फट गए यार, आँख फट गए, तो ये क्या हम लोग क्या चिकन मटन ऐसे खाते हैं क्या, कुछ भी ना जस्ट एक कुछ भी एक्सक्यूज देख रहे हो बहुत कुछ आता है भाई, ऐसा कोई इंसानियत नहीं है कि हम लोग 16 पप्पीज को जस्ट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के लिए उनको प्रॉब्लम होती है तो ये मार देंगे यार, ये कोई इंसानियत नहीं होती है। सच बता रहा हूँ ना, जो बताया ये सही हुआ क्या नहीं हुआ वो लोग आप फैसला करो, मुझे पता है मैं ये वीडियो बना के कोई उखाड़ नहीं रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ मुझे पता है मैं कोई उखाड़ नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए और इन कुत्तों लोगों के लिए। ये देखो ये जो भूखे कुत्ते हैं ना ब्रदर, ये जो भूखे कुत्ते हैं आप सोच नहीं सकते ये कैसे दिन बिताते हैं, अगर तुम लोगों के पास देखो ये जो बंदी है ना अब सोच नहीं सकती है क्या नहीं है, खुद के पास खाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन कुत्तों के खिलाने के लिए इसके पास पैसा रहता है,
इसे इंसानियत कहते हैं। दूसरों की मदद करो तभी तुम खुश रह पाओगे। दूसरों की मदद क्या करो, और इंसानियत क्या होता है? उन लोगों ना जितना भी पैसे देते हैं ना वो कभी खुश नहीं होते। सिर्फ इन लोगों को ना थोड़ा सा प्यार दे दो, उनको जब पूछ होता है ना ऐसे लिपता है, वो इंसान भी नहीं होता। तो यार मुझे पता है आज का वीडियो हुआ, क्यों मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि तुम लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मुझे वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं फिर भी बता रहा हूँ मेरे पास वीडियो है छोड़ने के लिए ज़्यादा, फिर भी मैं ये वीडियो बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए और इंडियंस के लिए। एज ए इंडियंस मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को इंसानियत रहना चाहिए अपने अंदर, ठीक है? अगर इंसानियत नहीं है भाई तुम कैसे जी सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। वो पॉजिटिव लेना और जज करना क्या ये सही था, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई क्या ये सही था। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों का आज का वीडियो मज़ा आया होगा। मुझे पता है भाई मैं कुछ भी उखाड़ नहीं पाया, फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, भालो थक बेन अरे। कुत्ते लोगों की मदद करना ब्रदर, इनको मदद क्या करो, कुछ नहीं ब्रदर एक बिस्कुट भी खिला दो खुश रहना। मैं मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय।